तो दोस्तों, अगर आपको मेमोरीज क्रिएट करनी है जो आपको पसंद आए इंस्टेंटली, उसकी आपको पिक्चर लेनी है हार्ड कॉपी के साथ, मतलब मेमोरी क्रिएट करने के लिए या फन पर्पज़ के लिए या किसी को गिफ्ट पर्पज़ के लिए अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए, इसके आज हम टेस्टिंग करते हैं और ये पर्सनली मैंने अपने डॉटर के लिए परचेज़ किया हुआ है। चलिए इसका उद्घाटन करते हैं सेल्फी लेने के साथ और देखते हैं कितनी बढ़िया सेल्फी आती है इसके थ्रू। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर आज मैंने पर्सनली अपने डॉटर के लिए परचेज किया हुआ है फ्यूजी फिल्म की तरफ से इंस्टेक्स मिनी 12 इंस्टेंट कैमरा और इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 6000 रुपीज के आसपास सिर्फ कैमरा का। अगर आपको शॉर्ट्स परचेज नहीं करने हैं, शॉर्ट्स जो आते हैं आपको ऑफलाइन स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर इसका शॉर्ट्स का कॉम्बो परचेज करते हैं, 40 शॉर्ट्स वाला कॉम्बो आता है 7500 रुपीज के आसपास। मैंने वैसे बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके करंट प्राइस चेक कर सकते हैं क्योंकि प्राइस पॉइंट थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो मेनली अगर आपको इंस्टेंटली मेमोरीज क्रिएट करनी है, हम लोग फोन और कैमरा तो यूज करते ही करते हैं ताकि हम फोटोज ले पाएं, लेकिन जो हार्ड कॉपी वाला इंस्टेंटली जो कैमरा रहता है वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल जगह क्रिएट करता है ताकि आपको कुछ पसंद आ गया चीज, आपने इंस्टेंटली उसकी पिक्चर ले ली, आपको उसको वॉलेट के अंदर रखना है, आपको बिल्कुल क्लिप की तरह लटका के कहीं ना कहीं जो मेमोरीज है उसको आपको क्रिएट करना है अपनी तरह, उसकी एक अलग फीलिंग है। अगर आप ऐसा कैमरा परचेज करने का सोच रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर कॉन्टेंट क्या है, इसकी बिल्ड कैसी है, इसका सेटअप कैसे करते हैं, कैसे आप पिक्चर ले सकते हैं, सब आपको डिटेलिंग बताऊंगा इस वीडियो में ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर लें कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको फ्यूजी फिल्म इंस्टेक्स मिनी 12 इंस्टेंट कैमरा का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से और साइड में कुछ फीचर्स मेंशन है। इसमें आपको ब्राइट इमेजेस विद ऑटोमेटिक एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा और ये आइडियल फॉर क्लोजअप शॉट्स भी है। ऑटोमेटिक फ्लैश कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है फॉर बेटर सेल्फीज और यहाँ पर हम इसको क्विकली अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड मिलने वाली है, इसमें आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिल जाएगी, यहाँ से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। ब्रांड के बारे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रांड के, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। एक यहाँ आपको मोटी सी पुस्तक भंडार मिलने वाली, यूजर मैनुअल चाहे तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से और साथ ही में आपको एक कैरिंग स्ट्रैप मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कैमरा में स्ट्रैप भी लगाना है उस पर्पज के, इसको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो इंस्टेंट फिल्म इसके जो शॉट्स है वो वाला वेरियंट मैंने परचेज किया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 शीट्स मिलने वाली, 2 पैक्स मिलने वाले हैं 10 शीट्स की, 2 आपको ऐसे पैकेट मिलने वाले हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे फिल्म शॉट्स ताकि आप कैमरा में प्लेस करके यूटिलाइज कर पाए। और साथ ही में आप बैग भी परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने ये वाला वेरियंट परचेज किया हुआ है, इसको आप कैमरा इसके अंदर प्लेस करके आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और ये बैटरी ऑपरेटेड कैमरा है, बैटरी भी आपको साथ में बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। और बात करेंगे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द कैमरा यू विल बी गेटिंग, ऐसा लुक एंड फील का आपको कैमरा मिलने वाला है। आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, जो आपको कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। और ये वाला कलर है ब्लॉसम पिंक, मैंने अपने डॉटर के लिए पर्सनली परचेज किया हुआ है, उसी का प्रेफरेंस था कि भाई पापा मुझे पिंक कलर चाहिए, लड़कियों का फेवरेट रहता ही है, तो अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। बिल्ड आपको कैमरा की सही मिलने वाली, इसको आप डेलिकेट तरीके से यूज कीजिएगा, लेकिन थोड़ा वो डेलिकेट कैमरा दिया गया है, इसको केयरफुली यूज कीजिएगा। यहाँ पर फ्रंट में आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ्लैश लाइट का आपको ऑप्शन मिलने वाला है, ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट है, जब भी आप यहाँ पे कैमरा से पिक्चर लेंगे फ्लैश लाइट बिल्कुल ब्लिंक होती है। और इसमें आपको 60mm का इंस्टेक्स लेंस यूज किया गया है, साथ ही में इसकी फोकस रेंज है 0.3mm और इसको आप प्रोफेशनल कैमरा जो आते हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलने वाली है, इसमें आपको सेटिंग ऑटोमेटिक सारी की सारी बिल्ट इन मिल जाएंगी, आपको कुछ ऐसा कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसका ना ही कोई एप्लीकेशन सपोर्ट है, सेटिंग आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। मेनली क्या, अगर आपको इंस्टेंटली पिक्चर लेनी है हार्ड कॉपी के थ्रू, फन पर्पज के लिए, एक्टिविटीज पर्पज के लिए, मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, किसी को गिफ्ट पर्पज के लिए, उस पर्पज के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक बटन मिल जाएगा, इसको आप सिंगल प्रेस करके पिक ले सकते हैं कैमरा के थ्रू। इसके अगर हम सेटअप की बात करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर स्लॉट दिया गया इसको ओपन करके जो बैटरीज दी गई है इसको आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे जो आपको शॉर्ट्स दिए गए अलग से, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऐसा आपको जो शॉर्ट का बॉक्स दिया गया है जो येलो कलर है, जो कैमरा में येलो कलर है और जो बॉक्स में येलो कलर है, इसको आपको मैच करके सिंपली इसे प्लेस करना है, फिर इस स्लॉट को यहाँ पे आपको बंद कर देना है और ये कैमरा आपका बिल्कुल रेडी टू यूज है। और यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ऑफ है, इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एक लाइट भी यहाँ पे चलती है ऑरेंज कलर की, आप देख सकते हैं मतलब कैमरा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आप क्लोजअप मोड में भी जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा वाइड एंगल पे आपको यहाँ पे सेल्फी लेनी है ताकि सेल्फी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए, तो इसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं और इसे रोटेट करके आप कैमरा को ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट्स का बॉक्स जानने के बाद सिंपली आप पहली पिक्चर जब भी लेंगे तो आपको सिंपली ऐसे ब्लैक कलर की रील आएगी, मतलब कोई आपकी पिक्चर नहीं ली जाएगी, सिंपली आपको ऐसे ब्लैक कलर का पेपर आ जाएगा ऐसा आपको मिलने वाला है। इसके बाद आप जो भी शॉट लेंगे प्रॉपर तरीके से आपको इमेज मिलने वाली इस कैमरा के थ्रू। और इसका जो इंस्टेक्स फाइंडर, इसका लेंस यूज करके आप पिक्चर ले सकते हैं। और मैं आपको एक थोड़ा डेमो दिखा देता हूं कि इसका जो ऑन वाला मोड है और जो क्लोजअप शॉट है क्या आपको डिफरेंस मिलने वाला है। ऑन में आप देख सकते हैं ऐसा आपको यहाँ पे फ्रेम मिलने वाला है, और जैसे आप क्लोजअप शॉट में
जाएंगे तो थोड़ा फ्रेम वाइड हो जाएगा, ताकि आपको सेल्फी लेनी है तो आपके जो बैकग्राउंड में हल्की फुल्की चीजें हैं आपकी जो सेल्फी प्रॉपर तरीके से आ पाए क्लोजअप शॉट में। थोड़ा जो लेंस का एरिया है थोड़ा ब्रॉड कर देता है ये क्लोजअप शॉट में। अगर हम इसके सैंपल शॉट की बात करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे जब आप पिक्चर लेंगे तो जो स्लॉट दिया गया इसके थ्रू जो बाहर शॉट है प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाएगा। फिर आपको 90 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा ताकि जो आपने पिक्चर ली है 90 सेकंड्स में पूरा क्लियर होने में टाइम लेती है पिक्चर। फिर आप जो शॉट दिया गया है उसके थ्रू आप पिक्चर देख सकते हैं आपने कौन सी पिक्चर ली, और आपको ऐसा आउटपुट मिलने वाला है। इस तरीके का आपको आउटपुट मिल जाएगा, काफी हद तक जस्टिफाई भी कर रहा है इसका आउटपुट। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में इसका पिक्चर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, अगर आप डार्क में भी इसका पिक्चर लेते हैं फ्लैश लाइट के थ्रू, सही आपको आउटपुट मिलने वाला है इसके थ्रू। तो इस तरीके का आपको आउटपुट मिलने वाला है इस कैमरा के थ्रू। अगर आप यहाँ पे आउटिंग करते हैं, कहीं कैमरा को लेके जाते हैं किड्स पर्पस के लिए, फन पर्पस के लिए, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसे मोमेंट लग रहा है कि हाँ भाई इस पिक्चर को ले लेना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल मेमोरी क्रिएट कर पाए इंस्टेंटली एक हार्ड कॉपी के अंदर ही, ताकि आप उसको क्लिप की तरह कहीं लगा पाएं या फिर अपने पर्स में आप उसको स्टोर कर पाएं, सेव कर पाएं, ताकि आपको याद दिलाता रहे भाई हम यहाँ पे गए थे, ये चीज हुई थी, आप इंस्टेंटली उसका पिक्चर ले लिया। उस पर्पस के लिए इसका डिजाइनिंग की गई है। तो मेनली आपको पर्सनल यूज के लिए, अपने किड्स के लिए या किसी गिफ्ट पर्पस के लिए अगर आपको ऐसा कैमरा चीज को आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी टेस्टिंग दिखा दी इसके सेटअप के साथ। अब हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया और आपको परचेज करना है, प्रोडक्ट पसंद आया तो पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके इसको करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं प्रोडक्ट पसंद आया तो। आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the unboxing reviews, my personal experience and the complete setup of the Fujifilm Instax Mini 12 instant camera. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.